हेलो, हाय। मेरा नाम है संतोष यादव। तो आज मैं लेके आई हूँ आलू पालक की पूड़ी की रेसिपी। तो चलते हैं, आलू पालक की पूड़ी बनाएंगे। तो देखें फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आटा लिया है। आटा आप फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। मैंने ये आलू लिया है, इनको उबाल के इसमें डाल देंगे आलू। मैंने पालक लिया है, इसको 3-4 बार अच्छे से धो लिया। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसमें मैं डालूंगी सौंफ, एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक। नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, कम ज़्यादा। मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच। आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, आज मेरे पास है नहीं कसूरी मेथी, इसलिए मैं नहीं डाल रही। मैं डालूंगी इसमें देसी घी। इसमें घी अच्छे से डालोगे तो पूड़ी भी हमारी बहुत अच्छे से बनेंगी, फूली फूली। मैंने डाल दिया। मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन। देखिए आटे को अच्छे से मिला लेंगे। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैं इसको अच्छे से गूंथ लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी हिसाब से पूरा आटा लगा लिया अच्छे से, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से आटा लगाया हमारा पूड़ी का। तो मैं बेलूंगी इसकी पूड़ी। गैस को कर देंगे ऑन। मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल को करेंगे गरम। मैं सोयाबीन के तेल में बनाऊंगी। सोयाबीन के तेल में तेल बहुत अच्छी, पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। देखिए तेल हमारा गरम हो रहा है, इसी हिसाब से हल्का हल्का आटा लगा के पूड़ी के, और फिर बेलने हमारे को पूड़ी। सूखा आटा लगा के फिर बेल सकते हो पूड़ी को। सूखा आटा ले के बेल रही हूँ पूड़ी को। देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया, मैंने आटा लगा के पूड़ी बेल ली। मैं डालूंगी इसमें पूड़ी। पूड़ी को हम बदली कर देंगे दूसरी साइड से। देखिए पूड़ी हमारी अच्छे से, देख ली, ब्राउन कलर हो गई, आप देख सकते हो। अब इसको निकालूंगी मैं। तेल को हमारे को अच्छे से झारना है इसका। अब दूसरी पूड़ी डाल दूंगी मैं।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी हिसाब से सारी पूरी बना ली है। हमारी पूरी देखिए आप कितने अच्छे से बनी है, देख सकते हो। आलू पालक की पूरी आप ज़रूर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए थैंक यू।